रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खिजरियात आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूँ एक छोटे से गोट फार्म में, और ये गोट फार्म स्पेशली सिटी के अंदर है, यानी कि शहर के अंदर है। तो बहुत से लोग, बहुत से भाई सोचते हैं कि हम शहर के अंदर किस तरह से बकरियां या गोट फार्मिंग कर सकते हैं, और वो भी इनको बगैर चराई के, यानी कि इनको चराने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो में इंशाल्लाह जानेंगे, और भाई माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बता दें। अब्दुल मरूफ। अच्छा, ये जगह कौन सी है? भैया ये जफरवाल, जफरवाल से चला गया। जफरवाल यानी कि ज़िला नारोवाल में आप मौजूद हैं। अच्छा भाई जान, गोट फार्मिंग का काम करते हो, आपको कितना टाइम हो गया? भाई जान मैं तो बचपन से ही जो है ना गोट फार्म। माशाल्लाह, फिर तो आपका बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है। जी जी। अच्छा तो ये हम देख रहे हैं कि आपने छत के ऊपर गोट फार्म बनाया, इसके अलावा हमने बहुत से गोट फार्म विजिट किए हैं, तो ज़्यादातर बहुत खुले और बहुत बड़े बड़े। तो आपका ये जो आइडिया है कि छत पे, घर की छत पे ही आपने ये गोट फार्मिंग का, आप इसको शौक के तौर पे कर रहे हैं कि या बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं? शौक के तौर पर भी कर रहा हूँ और बिजनेस के तौर पर भी, दोनों में ही कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, यानी पे शौक भी पूरा कर रहे हैं और कमा भी रहे हैं। जी जी। अच्छा, इसका आप क्या रीज़न बताएंगे कि एक जब नया फार्मर, कुछ लोग सोचते हैं कि हम यार किस तरह से बकरियों को चराएंगे, चराई वगैरह करवाएंगे, फिर गोट फार्म मैनेज होता है, सब यही सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं कि बगैर चराई के गोट फार्म को मैनेज किया जा सकता है? जी जी, बगैर चराई के मैं तो कहीं चराई वगैरह नहीं कराता इनको, जो है ना टोके से सब्जा वगैरह इनका चारा ले आता हूँ या तूड़ी दाना डालता हूँ, तो ये जो है ना सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा तफसीलन बताएं, क्योंकि आपको देख के लोग जो है ना मोटिवेट होंगे। तो ये बताएं कि इनको जो आप खुराक दे रहे हैं वो उसमें क्या दे रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि टोका वगैरह से क्या सब चारा वगैरह लेते हैं, इसकी थोड़ी सी रूटीन और डिटेल बताएं। इनको एक टाइम जो है ना मैं तूड़ी दाना डालता हूँ। तूड़ी और दाना, दाना कौन सा डालते हैं? दाना वो जो है ना खुद तैयार किया हुआ है, गंदम है, वो ज्वार है, इसके अलावा चने हैं। जी जी। तो इसके अलावा वो छिलका मिलता है चनों का। जी जी। तो वो मिक्स करके इनको जो है ना देता हूँ। अच्छा, उसकी क्या मकदार होती है? उसकी जो है ना, क्योंकि चने तो महंगे हैं, 20 किलो आप चने ले लें, 30 किलो गंदम ले लें, 30 किलो ज्वार ले लें, इन तीनों को जो है ना बड़ी करके जो है ना वो इनको तूड़ी में डाल के दे सकते हैं आप जो है ना। अच्छा, इससे इनकी जो सारी खुराक की जो कह लें वो पूरी हो जाती है, जिसम की जो एनर्जी सिस्टम है पूरा हो जाता है? जी जी, पूरा हो जाता है जो है ना। इसके अलावा जो है ना इनको खाल भी दे सकते हैं आप। जी। ये सेकंड टाइम इनको मैं सब्जा वगैरह जो है ना वो देता हूँ। अच्छा, सब्जा देना इनको ज़रूरी है? ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि सब्जे से जो है ना इनका मैदा वगैरह और वैसे भी ये जो है ना वो अच्छी रहती है। अच्छा, तो ये बताएं कि जिन लोगों के पास जगह नहीं है, लोग परेशान हैं कि हम कहाँ पे गोट फार्म अपना बनाएं, आप उनको क्या जो है ना रिकमेंड करेंगे कि वो अपने घर पे जिस तरह से आपने माशाल्लाह बनाया, इस तरह से आप कितने परसेंट मुतमिन हैं, किस पे शौक भी पूरा हो सकता है और आप कमा भी सकते हैं? जी जी, घर में छत पे जो है ना आप इजीली रख सकते हैं बकरियां, कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें। आप दो रख लें, चार रख लें, पांच, कोई मसला ही नहीं है। जगह ज़्यादा हो तो आप 10 बकरियां भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, ये बिज़नेस कैसा है गोट फार्मिंग का आपकी नज़र में? ये तो बिज़नेस माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, वैसे भी सुन्नत है ये। तो इसमें नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं है। जी जी जी। अच्छा, जो कुछ लोग नए इस शो की तरफ आते हैं, वो चाहते हैं कि ये कारोबार करना चाहते हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो पहले थोड़ा सा छोटा जिस तरह से आपने बनाया उस पर एक्सपेरिमेंट करके करें, उसके बाद बड़ा करें, या क्या आप इसके बारे में कहेंगे? जी जी जी, वो पहले एक दो बकरी रख के वो जो है ना वो स्टार्ट करें, वो चेक करें वो कैसा देखते हैं, तो फिर आगे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो माल ले लें जो उनकी मुताबिक हो या वो समझते हों। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि बकरियों के जो हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर डॉक्टर तो है नहीं, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जी जी, वो तो बहुत महंगे हैं डॉक्टर, बहुत महंगे हैं। तो फिर आप ये रिकमेंड करेंगे कि पहले वो थोड़े से बकरियां वगैरह रख के उस पर एक्सपेरिमेंट करें, उनकी तबीयत को जानें, और कुछ जो उनकी बुनियादी जो आप कह लें कि जो इनकी जो देखभाल है उसके बारे में जानें, फिर जो है ना इस बिज़नेस में आएँ? जी जी, ऐसे ही ऐसे ही, आप जो है ना वो खुद उनकी ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर ही आप कामयाब हैं। जी जी, डॉक्टर तो बहुत महंगे हैं जो है ना। अब ये भी चाह रहा है जो चरागाहें हैं वो कम होती जा रही हैं, और जो आने वाले टाइम में ये चरागाहें वाकई जो है ना बहुत कम हो जाएंगी, और जो ये बिज़नेस है हम इसी तरह से इसको मैनेज कर सकें जिस तरह से आपने किया है? जी जी, वो हो सकता है, इजीली हो सकता है। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो आपका फार्म है ये कितनी जगह पर मौजूद है?
ये तकरीबन 1.5 मरला जगह होगी, तो इसमें मैं जो है ना 5-7 जानवर इजीली रख सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। पांच पांच सात जानवर आप इजीली रख सकते हैं जी। अच्छा माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ये काफ़ी बड़ी और खूबसूरत जो है ना वो बकरी, ये कौन सी नस्ल की हैं? ये बकरियाँ जो है ना वो साई वाली नस्ल की हैं। ये नागरी बकरी है जी जी। वो काला अमृतसरी साई वाली बकरी है ये दोनों। काला अमृतसरी साई वाला। अच्छा, आपकी नज़र में हमारे इलाके के हिसाब से या आपके इलाके के हिसाब से जो सूटेबल ब्रीड है बकरियों की वो कौन सी है? वो इधर जो है ना, इधर साई वाली या सियालकोटी बकरी मशहूर है कक्के रंगी। अब तो वो इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन साई वाली बकरी बेहतरीन है जो है ना रखने के लिए। अच्छा, जो दूसरी टैडी बकरियाँ होती हैं उनकी निस्बत ये साहीवाल की जो बकरियाँ ये महंगी होती हैं? जी जी, ये महंगी होती हैं। तो इनके अगर महंगी होती हैं तो इनके जो है ना अगर आगे बच्चे भी तो अच्छे सेल होने हैं, महंगे ही सेल होने हैं। अच्छा, तो आप बच्चे भी सेल करते हैं माशाल्लाह? जी जी, बच्चे भी सेल करते हैं हम जो है ना। अच्छा, जो आप इनकी जो सेल का सिस्टम है वो आप कहाँ से करते हैं, कहाँ पर इनको सेल करते हैं? इनको जो है ना मैं दोस्त वगैरह या कोई और कॉन्टैक्ट वगैरह कर ले तो वो सेल कर देते हैं। मतलब ऑनलाइन भी आप सेल? ऑनलाइन भी सेल कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो ये जो ऑनलाइन सेल करते हैं इसको आप क्या समझते हैं कि अच्छा अच्छे पैसे मिल जाते हैं? जी जी, अच्छे पैसे मिल जाते हैं जो है ना। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस फॉर्म की जो स्ट्रक्चर है, ये तो आपकी ये खुरली वगैरह बनाई हुई है, दूसरा आपकी ये है, और ये आपका जो है ना कमरा, ये कमरा इधर रूम के लिए खुली घूमती हैं, कमरे में आना चाहे कमरे में। मतलब ये कि ऑटो सिस्टम है जी, जी, जी। बांधने की जरूरत नहीं है, मैं इनको इनको बांधने की जरूरत नहीं है। पानी भी इनका जो ऑटो सिस्टम है जी, जी, पानी भी इनके पास ही होता है। और सर्दी मौसम वगैरह की शिद्दत में ये खुद बकरियां अंदर भी चली जाती हैं और बाहर भी आ जाती है अगर धूप वगैरह की जरूरत। और ये देखें शीट साई के लिए रखी हुई है। तो जिस तरह से गर्मी की जो शिद्दत होती है, तो क्या आप समझते हैं ये सूटेबल है ये जो शीट वगैरह लगाई है? नहीं, अंदर जो है ना गर्मियों में अंदर पंखा वगैरह लगाया होता है तो अंदर जो है ना बैठ जाती हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। मट्टी वगैरह भी डाली होती है, वो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक होगा, ठीक होगा। अच्छा सर, इसके अलावा हमें ये बताएं कि जो सिटी में बकरियों का रखना आप क्या समझते हैं ये मुनासिब है? जी जी, बिल्कुल मुनासिब है, कोई मुश्किल ही नहीं है सिटी में जो है ना बकरियों। इसके अलावा हमारे को गवर्नमेंट या दारे को तंग वगैरह तो नहीं करती? नहीं 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 नहीं, कोई कोई मसला नहीं है इधर जो है ना, कोई इशू नहीं है जी। ठीक है जी। अच्छा सर, हमने काफ़ी बात की है आपके फार्म के बारे में, अब हम ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं आपके ये कौन सी नस्ल के हैं और इनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो भी बताएं और जो इनमें अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है वो भी थोड़ा सा बताएं, एक ही पकड़ लें। ये जो बच्चे हैं ना ये साई वाली हैं, नागरी बकरी आपने देखी है उसके बच्चे हैं जी जी। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में बच्चे हैं जो है ना। ठीक है। वो इनका नकोर देखें, जालर देखें, कानों की लेंथ देखें, इसकी लेंथ देखें, बहुत अच्छी क्वालिटी में है माशा। अच्छी क्वालिटी में, मतलब एक नकोड़ आप बता रहे हैं, झालर बता रहे हैं, जिस्म की जो बनावट है, जो इसकी लैंग्वेज है वो भी अच्छी है। जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये। तो इसके अलावा बताएं कि इसमें इनमें जो खराबियां आपको नजर आती हैं, यानी कि जो कमियां चाहते हैं कि ये भी होनी चाहिए थी, वो कौन सी हैं? ये एक ही मसला है, ये इसकी जो अगर आई जो है ना, आंख है जो इसकी, वो जी जी वो वाइड होती तो और ज्यादा जो है ना फुल पॉइंट में हो जाना ब्रीडर। अच्छे इनके पॉइंट परसेंटेज क्वालिटीज लिहाज बहुत ज्यादा इजाफा हो जाना था अगर इनकी जो आंख है वो वाइट होती, वाइट होती तो। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आंख वाइट होनी चाहिए? जी ठीक है। और उसके अलावा ये झालर इसकी अच्छी होनी चाहिए? नहीं, बाकी हर चीज जो है ना इसकी ठीक है, इसकी परफेक्ट है तकरीबन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो ये नागरा ऐसे ही है, साहिवाल नागरा। अच्छा, नागरा की यही पहचान है, ये जो ब्लैक जो लाइन गई है? जी जी जी, यही पहचान है नागरा, और ये जो कलर है इनका जो है ना रेड रेड। ठीक है सर जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तो ये सेल अगर करेंगे तो अगर करना चाहते हैं वैसे तो ये कितने का एक आप सेल कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी क्वालिटी में बच्चा है, मेल है जी जी। ये जो मेरा जो है ना वो इजीली जो है ना 25,000 में, 20-25,000 में सेल हो जाएगा 20 दिन का, अभी 20 दिन का हुआ। अच्छा, अभी इसकी एज 20 दिन है, तो माशाल्लाह व्यूअर्स आप इस इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, ये आपके सामने, ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है जी। तो माशाल्लाह बकरियां भी इनकी चेक कर लें और अच्छी क्वालिटीज के बकरी हैं इनकी। तो आपने शो करना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्वालिटी के लिहाज से ही जो है ना ब्रीड रखें। अच्छा भाई, थोड़ा सा हमें ये बता दें कि बच्चों की जो खुराक है वो सिर्फ दूध ही है या इसके अलावा भी आप इनको कुछ डाल रहे हैं? इनको जो है ना वो दूध तो पीते ही हैं जी जी। जब ये 15 दिन के हो जाते हैं ना, तो इनको जो है ना इनकी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए
मैं कैल्शियम पी होता है शरबत जो है ना जी जी, कैल्शियम पी देता हूँ इनको जो है ना तकरीबन 3 cc जी जी। इसके अलावा जो ग्राइवेटर मिल जाता है बाजार से जी जी। वो देता हूँ इनको 3 cc एक टाइम सिर्फ 24 घंटे में। तो अच्छा। तकरीबन 2 महीने देता हूँ, ये अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं दूध के साथ साथ जो है ना, ग्रोथ इनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं इनकी। अच्छा, हमें ये बता दें कि जो आप इनके लिए टोटके इस्तेमाल करते हैं ये आप कहाँ से लेते हैं, डॉक्टरों से लेते हैं, जो आपके बड़े हैं उनसे लेते हैं, या कहाँ से ये लेते हैं? जी जी, ये कर करके जो है ना तजर्बा हो गया हमारा जो है ना, वो खुद ही तजर्बा, यानी खुद ही आस्ता आस्ता सीख लिया हुआ है जो है ना। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ये वन सिस्टम चल रहा है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं, और ये आपके लिए सबके लिए मोटिवेशन वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो न्यू वाचर हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ खिज़र याद को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।